आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग नेशनल मीडिया सेंटर के इस सभागार में आप सभी गणमान्य अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता है। इस आयोजन का उद्देश्य प्राइवेट एफएम प्रसारकों को आकाशवाणी समाचार साझा करने का अवसर प्रदान करना है और इस सुअवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर जी स्वयं अपनी गरिमामय उपस्थिति से हमें अनुग्रहित कर रहे हैं। हम माननीय राठौर जी के आभारी हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ हम अपनी प्राचीन परंपरा के अनुसार दीप प्रज्वलित कर करेंगे। मैं मंच पर आसीन सभी सम्मानित अतिथियों से विनम्र निवेदन करूंगी कि वे दीप प्रज्वलित करने के लिए आगे आएं। भारतीय मनीषा में परिकल्पना है तमसो मां ज्योतिर्गमय। ये विचारधारा है कि किसी भी कार्य को आरंभ करते हुए सर्वशक्तिमान से ये प्रार्थना करें कि मेरा कार्य मुझे तमस यानी अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, ताकि उससे सब ओर प्रकाश हो और वो प्रकाश सभी का रास्ता आलोकित करे और उससे सभी लाभान्वित हों। माननीय अतिथिगण अपने आसन पर विराजमान हों। पर्यावरण के प्रति वर्तमान सरकार की प्रतिबद्धता किसी से छिपी नहीं है। हम समाचार सेवा प्रभाग के समाचारों में निरंतर पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता का संदेश देते हैं और ऐसे कार्यक्रमों का प्रसारण भी करते हैं। इसी जागरूकता को साकार रूप देते हुए आज हम अपने आदरणीय और प्रिय अतिथि गणों का स्वागत पर्यावरण अनुकूल पौधों से करना चाहते हैं। सबसे पहले सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन जी का स्वागत करेंगे हमारी सहयोगी रचना रमानी। ये पर्यावरण अनुकूल पौधे हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव आदरणीय अमित खरे जी का स्वागत करेंगे हमारी सहयोगी परवीन जान। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी माननीय शशि शेखर वेम्पटी जी का स्वागत करेंगे हमारी सहयोगी ललिता जोशी। एसोसिएशन ऑफ रेडियो ऑपरेटर्स फॉर इंडिया के अध्यक्ष श्रीमती अनुराधा प्रसाद जी का स्वागत करेंगी रचना रमानी। प्रसार भारती में मेंबर फाइनेंस राजीव सिंह जी का स्वागत करेंगी अनीता। और अब आकाशवाणी महानिदेशक फैयाज शहरयार जी का स्वागत करने के लिए मैं बुला रही हूं प्रिया बेदी को। अब हमारे समाचार सेवा प्रभाग की परिवार की मुखिया आदरणीय महानिदेशक समाचार ईरा जोशी जी का स्वागत करेंगी परवीन जान। अब मैं महानिदेशक समाचार ईरा जोशी जी को आमंत्रित कर रही हूं अतिथियों के स्वागत में अपने उद्गार व्यक्त करने के लिए। समाचार को
आकाशवाणी समाचार को प्राइवेट एफएम रेडियो चैनल्स पर साझा करने की ये प्राइवेट एफएम ऑपरेटर्स की सालों की डिमांड रही है। ये ऐतिहासिक कदम हमारे प्रिय मंत्री जी मिनिस्टर ऑफ आईएनबी कर्नल राजवर्धन राठौर के डायनामिज्म का प्रतीक है। मेरा सौभाग्य है कि आज संपूर्ण समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी प्रसार भारती परिवार की ओर से मुझे आपका इस समारोह में स्वागत करने का अवसर मिल रहा है। आपका हार्दिक स्वागत है सर। जब भी हमें कोई कठिनाई आई है, सचिव सूचना प्रसारण मंत्रालय अमित खरे जी ने हमेशा हमारा साथ दिया है, हमारी सहायता की है। आपका इस समारोह में बहुत बहुत स्वागत है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ प्रसार भारती वेम्पटी जी का इस कार्य में को पूर्ण करने में बहुत बड़ा योगदान है। आपका इस समारोह में स्वागत है। हमारे नए पार्टनर्स भारतीय रेडियो ऑपरेटर्स एसोसिएशन ARRI हैं। ARRI की प्रेसिडेंट श्रीमती अनुराधा प्रसाद आज हमारे बीच मौजूद हैं। मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। मेंबर फाइनेंस राजीव सिंह जी, डीजी AIR शहरियार जी, प्रिंसिपल डीजी PIB, सभी मीडिया यूनिट्स के जो लोग आए हैं, हमारे FM रेडियो चैनल्स के जो प्रतिनिधि आए हैं और मीडिया के मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 19 जनवरी 1936 को दिल्ली केंद्र में पहला समाचार बुलेटिन प्रसारित किया गया था। इसी दिन इसके ट्रांसमिशन की शुरुआत की गई थी। अंग्रेजी और हिंदी समाचार बुलेटिनों के अलावा केंद्र से करंट अफेयर्स का प्रसारण आरंभ किया गया था। 8 जून 1936 को ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी रखा गया। 80 वर्षों से अधिक की इस लंबी यात्रा के दौरान आकाशवाणी के सिवाय कभी भी प्राइवेट रेडियो पर समाचार नहीं जा सकते थे। 1936 के आज तक के सफर में यह एक बहुत बड़ा कदम है। इट इज़ अ पाथ ब्रेकिंग स्टेप कि प्राइवेट रेडियो FM चैनल्स को आकाशवाणी समाचार साझा करने के दिया जाएगा। यह ऐतिहासिक कदम मंत्रालय के एक मेजर डिसीजन के बाद लिया गया है। मंत्रालय ने निर्णय किया कि प्राइवेट रेडियो FM चैनल्स को के परमिशन होल्डर्स को AIR की न्यूज़ बुलेटिन साझा करने की इजाज़त होगी। इसी आधार पर और प्राइवेट FM प्रसारकों के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ चर्चा करने के बाद ही शर्त और नियम टर्म्स एंड कंडीशंस बने हैं। सर, आपकी अनुमति से एक छोटा सा प्रेजेंटेशन दूंगी। 6 slides जस्ट ऑन दिस। फॉर इंस्टेंस द पॉलिसी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ INB, परमिशन होल्डर्स ऑफ प्राइवेट FM चैनल्स विल बी परमिटेड टू कैरी द न्यूज बुलेटिन्स ऑफ ऑल इंडिया रेडियो इन एग्जैक्टली द सेम फॉर्मेट अनऑल्टर्ड ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज मे बी म्यूचुअली एग्रीड विद प्रसार भारती। नो अदर करंट न्यूज एंड करंट अफेयर्स प्रोग्राम्स आर परमिटेड अंडर द पॉलिसी। News on offer, therefore, is that the private radio FM channels can carry All India Radio News free of cost on trial basis up to 31st May 2019. Any of the listed news bulletins in English and Hindi can be carried. And they have to be carried in toto, whoever wants to carry, in unaltered form by private FM channels as per terms and conditions. The 15-minute English and Hindi bulletins and the 5-minute English and Hindi bulletins are what is being offered. And on our website, one can get all the things. The FM radio channel who would like to take AIR news needs to register on the NSDAIR website in newsonair.com. And I am just going quickly through the terms and conditions. The detailed terms and conditions are available on our website. In case of deferred live, an announcement needs to be preceded.
And this is basically that whoever wants to take whichever bulletin. And the private FM broadcasters will have to make their own arrangements for receiving the signals, but we have shared the technical parameters. And during the trial period, they may like to avoid broadcasting in disturbed border and Nexal areas. And basically, this is our site. And when you go to the private broadcasters, it comes, the drop-down menu gives news on offer, terms and conditions, and registered now. So, so any one of you can see it. Thank you. धन्यवाद निजी प्रसारकों के संगठन ARRI एसोसिएशन ऑफ रेडियो ऑपरेटर्स ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अनुराधा प्रसाद जी से अब निवेदन है कि वे अपने विचार साझा करें थैंक यू इला जी आदरणीय राजवर्धन राठौर जी अमित खरे जी वेणुपति जी इला जी आप राजीव सिंह जी शहरयार जी आप सबका मैं FM रेडियो के एसोसिएशन ARRI की तरफ से उसके सेक्रेटरी जनरल की तरफ से और जितने सारे मेंबर्स हैं अक्रॉस द कंट्री सब की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और बहुत अभिनंदन करती हूँ कि ये हमारी बहुत पुरानी मांग रही है हम लोग जब से हमारे एसोसिएशन बनी है तब से हम लोग ये कह रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन का सबसे बड़ा सोर्स जो है पूरे देश भर में वो है रेडियो और अगर रेडियो पर प्राइवेट रेडियोज पर अगर न्यूज़ नहीं जाएंगे ये तो लोग इंफॉर्म्ड कैसे होंगे और अगर इंफॉर्म्ड नहीं होंगे तो एम्पावर्ड कैसे होंगे तो अगर पूरे देश में एक नई व्यवस्था आनी है पूरे देश में एक जागृति पूरे देश में फैलानी है तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी था और इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत राठौर जी धन्यवाद देती हूँ अमित खरे जी कि आप लोगों के टेन्योर में ये हमारी मांग पूरी हुई है जैसा इला जी ने बताया कि 1936 से ये मांग मतलब ये पहली बार हुआ है तो आप सोच सकते हैं आप सबकी देश की स्वाधीनता के पहले से यह मांग चली आ रही होगी और अब जाके पूरी हुई है तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद एक बहुत ही पॉजिटिव डायरेक्शन में ये कदम उठाया है मिनिस्ट्री ऑफ INB ने और प्रसार भारती ने और AIR ने शहरयार जी आपका बहुत धन्यवाद क्योंकि आपके टेन्योर में ये हो रहा है तो हम सब की तरफ से मैं धन्यवाद के आगे और कुछ नहीं कह सकती हूँ ये ज़रूर कहूँगी कि हमारी पूरी कोशिश होगी कि आप लोगों ने जो टर्म्स एंड कंडीशन सेट किए हैं हम उसके तहत ही चलें रेडियो पूरे देश में है इसलिए हर जगह को मॉनिटर करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है लेकिन हमारी ये पूरी कोशिश रहेगी कि आप सब ने जो भी टर्म्स एंड कंडीशन रखे हैं उसको हम बाय द मिनट बाय द बुक फॉलो करें अगर कोई गलती होगी तो आई एम श्योर आप का इतना बड़ा आपका सिस्टम है आपकी व्यवस्था है आप खुद ही उसको मॉनिटर कर पाएंगे थैंक यू सो मच थैंक यू अनुराधा जी धन्यवाद प्रसार भारती के चेयरमैन श्री सूर्य प्रकाश स्वास्थ्य कारणों से आज समारोह में शामिल नहीं हो सके लेकिन श्री सूर्य प्रकाश जी ने इस समारोह के लिए एक वीडियो बाइट दिया है आइए उसे सुने I'm very happy to learn that All India Radio News will now be broadcast by private FM channels. This is a matter that has been under discussion for quite some time, and this is really a very historic moment because for India's public service broadcaster to collaborate with the private radio broadcasters in the country. Secondly, for us, to get our All India Radio News onto the private FM channels. We already have our own FM channels, that is FM Rainbow and FM Gold. And in fact, FM Gold has been carrying All India Radio News. But this, in terms of dozens and dozens of private FM stations across the country, this is a huge development. And I am very happy as Chairman Prasar Bharati that this has come about. It is an era of collaboration and convergence, and this is a very good example of that. All India Radio, as everybody knows, is the most credible news platform we have in the country, and therefore, I think it's truly a win-win situation. I wish to congratulate All India Radio
and the Association of Private FM Broadcasters for this collaboration and this arrangement. As we all know, this is a pilot project, and this experiment will be on till end of May 2019, and during this period, All India Radio and Prasar Bharati will make an assessment of how this arrangement is going, and we will then take this forward. And I must also say that I want to take this opportunity to thank our Honorable Minister, Sri Rajyavardhan Rathore ji, for having agreed to launch this collaboration and to get All India Radio News onto private FM channels. So I really look forward to this arrangement working out very well, and I'm sure, as everybody can knows, this augurs very well for our democracy and our liberal and free society that India is today. और अब वो ऐतिहासिक पल आ पहुंचा है जिसकी प्रतीक्षा थी. मैं सूचना और प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन जी से विनम्र निवेदन करूंगी कि आकाशवाणी समाचारों को निजी एफएम प्रसारकों के साझा करने की प्रक्रिया का उद्घाटन अपने कर कमलों से करें. माननीय मंत्री जी हार्दिक धन्यवाद. और अब आदरणीय राज्यवर्धन जी हमें संबोधित करेंगे. मंच पे मेरे साथ अनुराध्य जी यहाँ पर विराजमान है, साथ ही सेक्रेटरी सूचना प्रसारण शशि, ईरा जी, राजीव, शहरियार जी, यहाँ पर उपस्थित सभी मीडिया के मित्रों, मीडिया हेड्स, प्रसार भारती ऑफिशियल्स, रिजर्व्ड और अनरिजर्व्ड जितने भी यहाँ लोग उपस्थित हैं, आप सबको बहुत बहुत नमस्कार. अगर मैं एक नागरिक के रूप में इस अपॉर्चुनिटी को मैं देखूं, तो एक बहुत खुशी की बात है कि एक साधारण नागरिक को अभी कोई भी रेडियो प्लेटफॉर्म हो उस पर खबरें सुनने को मिलेगी. दिस एम्पावर्स मी एज अ सिटीजन. और एक नागरिक जो जागरूक है वो अपने आप सशक्त हो जाता है, एम्पावर हो जाता है. और लोकतंत्र को और क्या चाहिए, सबसे बड़ी ताकत लोकतंत्र की यही है कि हम सभी नागरिकों को अवेयर कर सके, उनको जागरूक बना सके. तो ये इस अपॉर्चुनिटी के लिए आज जो कदम उठाया गया है, हालांकि बहुत पहले अप्रूव हो गया था लेकिन उसको क्रियान्वय होने में समय लगा. और इसमें मैं कहीं इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के अधिकारियों को बधाई देना चाहूँगा कि थोड़ा सा जो नज करने की ज़रूरत थी वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने करी, क्योंकि ऑल इंडिया रेडियो या प्रसार भारती अपने अपने विजन में डिस्कशंस पे था कि कितनी कॉस्ट होगी, कितनी वैल्यू होगी. लेकिन प्राथमिकता सरकार की ये है कि अवेयरनेस हो. प्रसार भारती का खुद का मैंडेट यही है कि हम अवेयरनेस क्रिएट करें, और सेकेंडरी हो जाता है कि रेवेन्यू जनरेशन या रिसोर्स जनरेशन. तो अब हमने इसको फ्री ऑफ कॉस्ट, इट्स नियरली फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट इसको अवेलेबल कराया है ताकि इसमें कोई विलंब ना हो, कोई देरी ना हो, और एक नागरिक के पास जो खबर देश में हो रही है वो वहां तक पहुंच सके. ये अलग अलग जो रेडियो स्टेशंस हैं इनको भी हमें माई टीम, हिज टीम, योर टीम नहीं समझना चाहिए. बेसिक रीजन ऑफ सेटिंग अप मल्टीपल रेडियो स्टेशंस, मल्टीपल मीडिया हाउसेस इज टू गिव मोर अपॉर्चुनिटीज एंड मोर एवेन्यूज फॉर द इंडियन सिटीजन to access various information, entertainment and education. और ये collaborative effort जो अभी करा है ये भी अपने आप में एक बहुत शानदार उदाहरण है कि not my team, not your team, it is our team. कि एक हिंदुस्तान के जितने भी रेडियो स्टेशन हैं सब एकजुट होकर अपने नागरिकों को हम information और education वहाँ तक पहुँचाएं. So I congratulate and I thank all the radio stations, all the media houses that are collaborating with us today and will collaborate with us tomorrow. It is very important for our democracy to grow. Once again, thank you so much, and congratulations to each one who's been a participant to this. Dheere dheere mujhe lagta hai Prasar Bharati ko
अलग-अलग भाषाओं में अलग-अलग रीजंस के लिए स्पेसिफिक जो खबर है वो अलग-अलग बनाने की जरूरत पड़ सकती है, उसको भी आप जरूर देखिए और किस तरह से आपकी जो न्यूज़ की प्रेजेंटेशन हो उसकी क्वालिटी भी आज पूरा देश देख रहा है। हालांकि हाँ, ऑल इंडिया रेडियो को सभी सुनते हैं, लेकिन आज हर स्टेशन के ऊपर आपके ऑल इंडिया रेडियो के जो अनाउंसर्स हैं उनको सुन रहे होंगे, तो इट इज़ ऑल्सो एन ओकेजन फॉर द प्रसार भारती एंड ऑल इंडिया रेडियो टू स्टेप अप। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट विशेस। माननीय मंत्री जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में अपर महानिदेशक समाचार सेवा प्रभाग श्री आकाश लक्ष्मण धन्यवाद प्रस्ताव ज्ञापित करेंगे। On behalf of News Services Division, All India Radio, I extend my heartfelt thanks to Honorable Minister of Information and Broadcasting and Youth Affairs and Sports, Colonel Rajyavardhan Rathore, AVSM. Sir, your aura itself is so motivating and inspiring for us. You remained our guiding light all through. From the bottom of my heart, I thankful to Secretary INB, Sri Amit Khare, for always being so willing and supportive for all our initiative and endeavors. I am immensely thankful to CEO Prasar Bharati, Sri Sashi Shekhar Vempati, who worked tirelessly for making this sharing a reality. I am deeply express my gratitude and thanks to Member Finance Sri Rajiv Singh and DG AIR Sri F. Sariar, and especially President of Radio Operators for India, Madam Anuradha Prasad. Madam Prasad's positive and willing attitude has set the ball rolling for benefit of millions of youth and listeners of FM radio. Also, thankful to all representative of FM channels present here. I render my thanks to media heads, Principal Director General, DGs, additional DGs, and other senior officers who spared their valuable time to attend this event. My sincere gratitude to all media friends from electronic, digital, and print media present here, and all our honored guests. I would be failing in my duty if I don't thank the committed teams of Press Information Bureau, dedicated and supportive officers and staff of News Services Division, All India Radio, under the very caring guidance of our DG, NSD, AIR, Ms. Ira Joshi. Thank you, ma'am, a lot. In the last, to conclude, a big thanks to all of you. Have a great day ahead. Thank you. आप सभी की गरिमामय उपस्थिति के लिए समाचार सेवा प्रभाग आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता है। इसके साथ ही आकाशवाणी समाचारों को निजी एफएम प्रसारकों के साथ साझा करने का उद्घाटन समारोह यही संपन्न होता है। आप सभी का हृदय से आभार। निवेदन है कि आप सभी भोजन ग्रहण कर हमारे आतिथ्य को स्वीकार करेंगे।